फ्रेंड्स, मार्केट में आम बहुत आ रहे हैं। आम की पुदीने वाली चटनी की रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ, तो आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना। अर्चना ग्लोबल किचन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए अर्चना ग्लोबल किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आम का मैंने पहले छिलका निकाल लिया है, फिर उसके बाद गुठलियाँ निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ पर पुदीना पत्ती 2 कप लिए हैं और धनिया पत्ती 1/2 कप। पहले हम चटनी बनाने के लिए आम के टुकड़ों को ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसके बाद इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, पुदीना पत्ती डालेंगे, 3 हरी मिर्च चाकू से काट के डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 टीस्पून नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून भुना जीरा, 1/2 टीस्पून भुना हुआ मेथी के दाने, 4 टेबल स्पून चीनी, 1/2 कप पानी डालेंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। वाओ, चटनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसे आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, चावल, पकौड़ा के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अर्चना ग्लोबल किचन को, बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। हमें इंस्टाग्राम और मोज में ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।